बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में 2020 और 2021 के हवाले से कुछ गुजारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इस बात में कोई शक नहीं कि 2020 शायद हमारी ज़िंदगियों के बदतरीन सालों में से एक साल था, लेकिन 2021 भी हमारे लिए कोई खुशखबरी लेके नहीं आ रहा। असल में जब इंसान निज़ाम कुदरत में मदाखलत शुरू कर दें तो फिर मकाफात अमल जन्म लेता है, और इस बात में कोई शक नहीं हम सब मकाफात अमल का शिकार हैं। शायद गुज़श्ता 100 साल में खुराक का ऐसा बदतरीन बहरान दुनिया ने नहीं देखा होगा जो हम अगले साल देखने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोरोना से ज़्यादा अमवात भूख से होंगी तो इसे सच जानिएगा। सफरी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी, वैक्सीन की तकसीम पर ऐसी सियासत, ऐसा फड्डेबाजी होगी, खुदा की पनाह, और जैली वैक्सीन, दो नंबर वैक्सीन, यानी इंसानी मौत के तमाम असबाब खुद ब खुद पैदा होंगे। और जो दज्जाली एजेंडा है 2023 वाला कि वो दुनिया को आधा कर देंगे, अपने आप से पूरा होता चलेगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड आर्डर तो नाज़रीन लागू हो चुका है। वायरस फैलता रहेगा, शक्लें बदलता रहेगा, जैसे अब आप देख रहे हैं इंग्लैंड में क्या हाल हो रहा है, और बदतरीन शक्ल जो है वो हमें इसकी दिखाई दे रही है। नाज़रीन कराम, इस बात में कोई शक नहीं कि गुज़श्ता बरस दुनिया में सियासी तकसीम और धड़ेबंदियों को बहुत गहरा कर दिया था। बैन अक्वामी अदारों में टूट फूट का सिलसिला जारी है। ऐसे में अमेरिका आर्मी अदारा से ऐसे किनारा कश होने और दूसरी कसीर जहती तंजीमें रुकावटें खड़ी करने में मसरूफ़ रहा। बहुत गहराई में रोशनी की किरण ये कि अमेरिकी इंतखाबात में जमहूरियत गालब आई। मसनू जहानत और कंप्यूटराइज दौर में कोविड वैक्सीन की तैयारी में साइंसदान मसरूफ़ हैं। ये कहना कि नया साल पुरकशिश होगा बिल्कुल खाम ख्याली है। माहरीन बताते हैं कि आइंदा बरस मज़ीद बहरान और ख़तरात जन्म लेंगे। ख़तरात में इजाफ़ा होगा, कोविड वैक्सीन की तैयारी में सुस्त रवी से रूस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में बहरान बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन की तकसीम और गैर मुतवक्को पैदावार में रुकावट और रसद के मसाइल लोगों की पहुँच में मज़ीद ताखीर कर सकती है। नाज़रीन कराम, 42% अमरीकी वैक्सीन हासिल नहीं कर पाएंगे, जिससे वबा के फैलाव को आइंदा बरस भी रोकना मुमकिन नहीं होगा। बैन अक्वामी सफ़र पर पाबंदियाँ आइंदा बरस भी जारी रहेंगी। बैरून मुल्क और ख़ासकर तरक्की पजीर ममालक में वैक्सीन की तकसीम का मसला बना रहेगा। वायरस फैलता और तब्दील होता रहेगा, जिससे वैक्सीन की तासीर भी महदूद हो जाएगी। अभी तक भी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं बदकिस्मती से वो को बहुत उम्मीद अफजा नहीं हैं। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन की क़यादत रही तो जो बाइडन की हुकूमत करने की काबिलियत महदूद होगी। ट्रंप आखिरी दिनों में अपने जानशीन के लिए हर मुमकिन मुश्किलात पैदा करके जाएंगे, जिनमें 455 अरब डॉलर की हकूमती रिकवरी फंड्स में वापसी, ताइवान को अजाफी असलाह फरोख्त पर ट्रंप की चीन को धमकियां, और ईरान को अजाफी पाबंदियों से ख़बरदार करना, असलह पर काबू पाने के लिए मजीद अकदामात के खात्मे के लिए ओपन स्काई माहदे से अमेरिका की दस्तबरदारी बहुत बड़े मसाइल को जन्म देगी। नाज़रीन, 70% रिपब्लिकन समझते हैं कि ट्रंप का इंतखाब चुराया गया, लिहाजा इनके नज़दीक जो बाइडन की सदारत गैरआइनी है। आइंदा 4 बरस ट्रंप बाइडन के लिए कांटा बन सकते हैं। एमरजेंसी कोविड अखराजात से आलमी कर्ज का बम खासकर तरक्की पजीर मईशतों में गिर सकता है। रवां बरस मजमू कर्ज $15 ट्रिलियन बढ़ गया, जो आलमी जीडीपी के
365% तक होने की तवक्को है। IMF को 81 ममालिक को दिया है, निमटने के लिए मदद करनी पड़ रही है, यानी 81 ममालिक को वबा से निमटने के लिए मदद करनी पड़ रही है। कम आमदनी वाले ममालिक में सरमाए के भारों में 700 अरब डॉलर की कमी मतवक्को है। अंदाज़ा कर लीजिए इस तरह पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उन्हें किस क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम अपनी बैड गवर्नेंस को भी शामिल कर लें और ख़ास तौर से पाकिस्तान में जो हाइब्रिड वार के नतीजे में सूरत हाल पैदा हो रही है इसका भी जायज़ा लें तो बस अल्लाह ही है जो अपनी मेहरबानी फरमाए। नाज़रीन कराम, तरक्की पज़ीर मईशतों को आइंदा बरस के आखिर तक 7 ट्रिलियन डॉलर कर्ज़ की अदायगी करनी होगी। रवां बरस ज़ैम्बिया दिवालिया होने वाला छठा मुल्क है। ज़ैम्बिया G20 ने कर्ज़ों से निजात के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क तश्कील दिया है। अमेरिका इसकी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। IMF और इक्तसादी तआवुन तंजीम ने कोविड से अमेरिका समेत मुतअद्दिद ममालिक को होने वाले माशी नुकसान के तखमीनों में कमी की है, लेकिन आइंदा बरस के आखिर तक भी कोविड से पहले वाली GDP बहाल नहीं हो सकती। रवां बरस सिर्फ चीन की GDP में नमू हुई, नाकाफ़ी मालियाती महरक़ात मगरब को मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं। 2008 की कसाद बाजारी ने अमेरिका और यूरोप में अवामी तहरीकों को जन्म दिया था। एक बार फिर लाखों शहरियों के लिए तारीख माशी अमकानात तवील मुद्दती सियासी दबाव का बायस बन सकते हैं। जब शुमाली कोरिया से जोहरी ख़तरे से निमटने की बात आती है तो बाइडन आखिरी 4 सदूर के नाम का नाकाम सिफारती मीरास के वारिस होंगे। ट्रंप की किम जोंग इन से 3 मुलाकातों के बावजूद शुमाली कोरिया अब ज़्यादा जौहरी हथियारों का हामिल है। नाज़रीन, माजी का तजुर्बा बताता है कि शुमाली कोरिया अमरीकी सदर का मिज़ाइल या जौहरी तजुर्बे की सूरत में इश्तियाल अंगेज़ी से इस्तकबाल करेगा। बाइडन की पहली सहमाही में इन पर मीडिया और कांग्रेस की तरफ से कुछ कर गुज़रने के लिए बहुत दबाव आएगा। इसराइल की तरफ से ईरान की आला जोहरी साइंसदान का कत्ल और ट्रंप की तरफ से ईरान पर पाबंदियों से जो बाइडन के जोहरी माहदे की बहाली की उम्मीदों को नाकाम बनाया जाएगा। ईरान में अमेरिका और यूरोप के लिए वसी पैमाने पर गम गुस्सा पाया जाता है। जून में ईरानी सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई की इसराइल मुतहदा अरब अमारात सऊदी अरब की तनसीबात को 20 जनवरी से कबल निशाना बनाने का अहद ट्रंप इंतजामिया को आपे से बाहर कर सकता है और वो इसकी जौहरी तनसीबात पर हमला कर सकते हैं। तहरान और वाशिंगटन के माबैन जो बाइडन की सफारती उमंगे मजरूह होंगी। ताइवान की वजह से अमेरिका चीन ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। ताइवान की हमायत में हर अमरीकी कदम से चीन की तरफ से ताइवान पर दबाव बढ़ जाता है। ताइवान की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वजूदी मसला है। अगर चीन अमेरिका तसादुम बढ़ता है तो ज़ी जिन फंग ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने का ऐलान कर सकते हैं, जिसके लिए चीनी फौजी हमला ज़रूरी नहीं होगा। नाज़रीन कराम, माशी नुकसान से ज़्यादा अफराद आलमी सतह पर गुरबत के लपेट में आ जाएंगे। अक़वामे मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि कोविड से मुतलका ग़िज़ाई कमी से वाबस्ता बीमार लोगों से लोग कोरोना से ज़्यादा हलाक होंगे। बचपन में ग़िज़ाइयत की कमी उम्र भर सेहत और ज़हनी अमराज का सबब बनती है। 5 ममालक में क़हत की सूरत हाल पहले से दरपेश है। आइंदा बरस मज़ीद 15 ममालक में लोग रोटी को तरस जाएंगे। अमीर ममालक में ग़िज़ाई अशिया की बढ़ती कीमतों की वजह से गरीब परेशान हैं। अमेरिका में हर 5 में से 1 घर ग़िज़ाई अदम तहफ़ का शिकार हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा गुज़श्त 3 दिहाइयों में इंतहाई गुरबत से लाखों अफराद का निकलना और आलमी मतवस्त तबके की ग्रोथ था। अगर आइंदा बरस कोविड बहरान से ना निकला गया तो ये सब कारनामे ख़त्म हो जाएंगे। नसफ सदी में पहली बार मतवस्त तबका सुकड़ गया। सिर्फ लातिनी अमेरिका में 5 करोड़ 20 लाख लोग
गुरबत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। आइंदा बरस 15 करोड़ अफराद मज़ीद गुरबत के भंवर में फंस जाएंगे। तुर्की के तौसी पसंदाना अजायम भी ख़तरा हैं। कई ममालक में इसने मदाखलत की है या इसने फौजियाँ रखी हैं, जिनमें सोमालिया, कतर, लीबिया, इराक, शाम, लबनान शामिल हैं। अनकरा, शाम, लीबिया और अज़रबैजान में रूस का मुकाबला करता है, जबकि अमरीकी इत्तेहादी ग्रुपों पर भी हमला करता है। तुर्की ने रूसी S-400 फ़िज़ाई दफाई निज़ाम नस्ब कर रखा है, जिससे नेटो ख़तरा महसूस करता है। कई अरब रियासतें भी तुर्की को ख़तरा समझती हैं। इस सिलसिले में आप शहज़ादा MBS के बयान सुन चुके हैं। आप अमारात की तरफ से जो इस सिलसिले में लंतरानियाँ होती हैं वो भी जान चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या दुनिया क्या से क्या होने जा रही है। पाकिस्तान की मुतद्दद कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब अमारात अपनी ज़िद से हटने के लिए तैयार नहीं। इसराइल ने जो एंट्री ख़ास तौर से अमारात ने मारी है और मिडल ईस्ट में जिस तरह घुस गया है, ये एक बड़ी तबाही का आगाज़ है और जो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाएगी। हाइब्रिड वार नुक्ता अरूज को छुएगी। पाकिस्तान बतौर ख़ास इंडिया, इसराइल और दीगर ममालक का निशाना बनेगा। बदकिस्मती से अफ़ग़ानिस्तान में हालात ख़राब होंगे, ब्लैक वाटर के हवाले से कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी। नाज़रीन कराम, ये एक मुख्तसर सा जायज़ा है जो मैंने कुछ अंग्रेज़ी जो अखबार हैं उनसे अखज़ करके और कुछ दीगर ज़राए से हासिल करके आपकी खिदमत में पेश किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि नया साल हमारे लिए नई उम्मीदों के साथ तलू हो और हमें उन दज्जाली हथकंडों से बचाए रखे जो बहुत तेज़ी से अपना मुंह फाड़े हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इस कौम में इत्तफाक पैदा करे, दो नंबर सियासतदानों से हमारी जान छुड़ाए और इस गंदे गलीस पार्लमानी सियासी निज़ाम से हमें छुटकारा दिलाए। ऐसा कोई मर्द मुजाहिद आए जो पंजाबी ज़बान में हमारे सारे धोने धो दे, वो मालीन इल्ल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें। घर में जितनी भी जगह मैसर हो वहाँ सब्ज़ियाँ लगाने की आदत डालें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारे साथी बन जाएं। आपका बहुत शुक्रिया।